लैंड बोर्ड के इलेक्शन में बीजेपी को मुकम्मल अक्सरियत, 5 सीट बीजेपी, 2 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी का कब्जा। सीडब्ल्यूसी की नशिस्त में कांग्रेस में तंजीमी सतह पर बदलाव पर हुई बातचीत। 5 साल से 3 साल तक किया जा सकता है अध्यक्ष का कार्यकाल। मरकजी हुकूमत का मुहासरा करने के लिए तहरीक चलाएगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में जहरीली शराब पीने से कम 121 अफराद की मौत, 125 से ज्यादा बीमार, बीमारों को कराया गया अस्पताल में दाखिल। दिल्ली के विधानसभा इंतखाब में बीजेपी के लिए तशहीद करेंगी शाजिया इल्मी। शाजिया इल्मी दिल्ली में हुए पिछले विधानसभा इंतखाब से आम आदमी पार्टी के तरफ से थी उम्मीदवार। मकर संक्रांति पर जेडीयू ने पटना में रखा भोज। मुलायम, लालू और जनता परिवार समेत तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। लालू ने भी अपने घर पर रखा 2 दिन का भोज। सीपीआई सीपीआईएम लीडर भी करेंगे शिरकत। बिहार के वजीर आला जीतराम मांझी फिलहाल कोई इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने जेडीयू और आरजेडीयू के विलय के बाद वजीर आला की सीट के लिए नीतीश कुमार का नाम रखने की बात की। चुनाव के ऐलान के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में नेताओं की बैठक, जिसमें अमित शाह जैसे बड़े नेता हुए शामिल। बैठक में चुनाव को लेकर हुई चर्चा। जम्मू एंड कश्मीर में बनेगी पीडीपी की सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गवर्नर को दिया हिमायत का लेटर। कांग्रेस भी कर सकती है हिमायत। सीएनजी से भी अब चलेंगी रेल। रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली पहली सीएनजी रेल। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिखाई हरी झंडी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर हमला करते हुए कहा, सुनंदा के हत्यारे का नाम मालूम है तो खुलासा क्यों नहीं करते। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा पर फिर बरसे कैप्टन अमरिंदर, कहा पंजाब में कांग्रेस को बाजवा का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महानव निर्माण सेना रहनुमाओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर से मुश्किल में राज ठाकरे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर विनोद तावड़े की कारोबारियों को नसीहत, महाराष्ट्र में कारोबार करना चाहते हैं तो उन्हें मराठी आनी चाहिए। शिवसेना की महाराष्ट्र हुकूमत को सलाह, सामना में लिखा, इन्वेस्टमेंट्स को लुभाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात की तरह हो वाइब्रेंट महाराष्ट्र का आयोजन। एमएनएस से बीजेपी में शामिल होने वाली फेहरिस्त में प्रवीण दारेकर, वसंत गीते और रमेश पाटिल का नाम शामिल। आज हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मीटिंग से पहले कांग्रेस नेताओं को सूबे से राय लेने को कहा। वाराणसी को क्योटो शहर की तर्ज पर बनाने की कवायद शुरू। नीति आयोग की सीईओ बनी सिंधुश्री खुल्लर। पूर्व योजना आयोग की पूर्व सचिव रह चुकी हैं सिंधुश्री। दिल्ली की रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल पर फेंके गए अंडे। सुल्तानपुर माजरा की घटना। बीजेपी ने अंडा फेंकने की घटना को बताया पब्लिसिटी स्टंट। कहा तशहीर के लिए कुछ भी कर सकते हैं केजरीवाल। दिल्ली के पीतमपुरा में चंदा जमा करने के लिए आम आदमी पार्टी ने कारोबारियों को दिया लंच। 60 लाख रुपए किए जमा। केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी को बताया डूबता जहाज। शालीमार बाग की रैली में कहा न नेता तय कर रहे हैं न घोषणा पत्र। केजरीवाल के खिलाफ किरण वालिया को उतार सकती है कांग्रेस। केजरीवाल ने कहा किसी का मुकाबला करने के लिए वो है तैयार। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार पर सस्पेंस। दिल्ली बीजेपी सदर सतीश उपाध्याय बोले मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे इंतखाबी मैदान में। पंचुटाने बेंगलुरु पहुंचे केजरीवाल। लंच और सेल्फी के जरिए जुटा रहे हैं पैसे।
लंच के लिए एक प्लेट की कीमत 20,000 रुपए और सेल्फी के लिए 500 रुपए। पाकिस्तान ने एक बार फिर आंसू गैस से किया हमला, रात को कई बार की गई फायरिंग। आतंकी ने सीमा पार करने की कोशिश, मगर बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें नाकाम कर दिया। पाकिस्तान पर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने सख्त लफ्जों में कहा, मुंहतोड़ जवाब का गर्मियों तक दिखने लगेगा असर। ममता बनर्जी के दखल के बाद माधोपुर यूनिवर्सिटी के वीसी अभिजीत चक्रवर्ती ने दिया इस्तीफा, वीसी के इस्तीफा देने के बाद छात्रों ने मनाया जश्न। मध्य प्रदेश के वजीर आजम शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा आदर्श वजीर आजम का अवार्ड। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन देंगे शिवराज सिंह चौहान को आदर्श मुख्यमंत्री अवार्ड। कोलकाता में विंटेज कार रैली का आयोजन, एक से बढ़कर एक गाड़ियां हुई शामिल। दिल्ली में पुलिस भी नहीं हिफाजत में, दिल्ली में एक कांस्टेबल पर बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस कांस्टेबल ने अस्पताल में तोड़ा दम। मकर संक्रांति त्योहार के मौके पर गंगा में स्नान, हजारों लोगों ने लगाई डुबकी, इस दिन तिलगुड़ दान करने का रिवाज। मकर संक्रांति के मौके पर की जाती है पतंगबाजी, राजकोट में लगा पतंग मेला। 50 मुल्की गैर मुल्की पतंगबाजों ने लिया मुकाबले में हिस्सा, गुजरात टूरिज्म ने किया था आयोजन। सहारा ग्रुप के हेड सुब्रतो राय को तिहाड़ जेल में फिर मिली गेस्ट हाउस में रहने की सहूलियत, 3 विदेशी प्रॉपर्टीज को बेचने की तैयारी। सुब्रतो रॉय को 20 फरवरी तक के लिए मिली ये सहूलियत, जमानत के लिए चाहिए 10,000 करोड़। काले हिरन शिकार मामले में सलमान खान को झटका, 5 साल की सजा पर लगी रोक हटाई जा सकती है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस वैन को मारी टक्कर, हादसे में एक सब इंस्पेक्टर की मौत, 2 पुलिस वाले घायल, मुजरिम ट्रक ड्राइवर फरार। मोहाली में एक सिरपिरे आशिक ने बीसीए की एक तुलबा को गोली मारकर हत्या कर दी, ये वारदात फेस 5 के एक इलाके में हुई, अलग धर्म होने की वजह से किया था इनकार, जवाब में मिली मौत। गाजियाबाद के संतोष अस्पताल में एक खातून डॉक्टर के साथ रेप करने की कोशिश की गई, बताया जा रहा है कि अस्पताल में काम करने वाले रवि नाम के एक शख्स ने रेप की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। जोधपुर में 11वीं की छात्र के सर में 5 इंच पाइप लग गया, अस्पताल में 2.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद सर से हड्डी काट कर पाइप को निकाला गया। गालिब अकेडमी की तामीर नौ और म्यूजियम बनाने का फैसला, बस्ती हजरत निजामुद्दीन हेरिटेज इलाके में रहने वाले गरीब कुनबों को दिए जाएंगे फ्लैट। राजधानी में स्वाइन फ्लू बीमारी से अमवात का सिलसिला जारी, 12 दिनों में 4थी मौत, 4 नए मामले आए सामने, मुतासरीन की तादाद 50, महकमा सेहत ने 1000 टैमी कैप्सूल खरीदे। 15 साल पुराने 25,000 कमर्शियल वाहन चलन से बाहर, पीर के रोज लखनऊ से ट्रैफिक कमिश्नर का फरमान, आरटीओ ने दिया हुक्म। पुर्तगाल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने 2014 के फुटबॉल ऑफ द ईयर, दूसरे साल भी जीता खिताब। कुणाल खेमू पर फिल्म साइन करके काम न करने का आरोप, अंधेरी कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। फिल्म ओवरटेक के लिए कुणाल को साइन किया गया था,